आगरा जनपद के ढाकरन चौराहे के पास में आज नवीन युवा संगठन के प्रदेश कार्यालय पर दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता विनय चौधरी का आगमन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष देवेश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश की पूरी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रदेश प्रवक्ता विनय चौधरी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत हुआ और कई घंटों की मीटिंग के बाद आने वाले चुनावों के विषय पर चर्चा भी हुई। 2022 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 400 प्लस सीटें लेकर इतिहास रचना है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। और विनय चौधरी ने नवीन युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेश अग्रवाल व प्रदेश की पूरी टीम का धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे आपसे बहुत प्यार और स्नेह मिलता है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ में रहे पार्षद प्रवीण जैन जी ने प्रदेश महामंत्री प्रशांत अग्रवाल, सचिन ग्रोवर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, प्रदेश मंत्री कुलदीप सिंह, दिनेश गोयल, सोनू पंडित, लखन पिप्पल, पवन माहौर, शैलेंद्र सिंह, संदीप सिंह, आशीष अग्रवाल, सूरज सेन, दीपक शिवहरे, अंकित जैन, प्रिंस राजपूत, रविंद्र चौहान, प्रमोद पिप्पल, ललित माहौर और काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर आज आप आगरा आए हो, आगरा आगमन हुआ है आपका यहाँ नवीन युवा संगठन के प्रदेश कार्यालय पर, तो कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ आपको। मेरा नाम विनय चौधरी है, मैं बीजेपी स्पोक पर्सन हूँ दिल्ली प्रदेश यूथ का। और मैं पहले सबसे पहले आप जो आपका संगठन है नवीन युवा संगठन, मैं सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इतना अच्छा संगठन आप लोगों ने बनाया और समाज इतने आप लोग काम कर रहे हो, इतना अच्छा आप सब युवा एकत्रित हुए हैं यहाँ आज इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले इस नवीन युवा संगठन के जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अग्रवाल जी, देवेश अग्रवाल जी, उनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सर योगी सरकार के अभी 4 साल पूरे हुए हैं, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, देखो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने देखा होगा इससे पहले सरकारें कितनी रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक समय था, दुर्भाग्य था इस प्रदेश का, कि बेटियाँ 6 बजे के बाद रोड पे निकल नहीं पाती। एक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आपको याद होगा FIR दर्ज नहीं होती थी थानों में। आज FIR छोड़ो, आप 24 घंटे आपको सुविधाएं मिलेंगी पुलिस की, आपकी बेटी आज 12 बजे भी निकल जाएंगी, अगर वो पढ़ने के लौट रही है या कहीं से भी लौट रही है तो आप चिंता नहीं रहोगे, आप चिंता मुक्त रहोगे। तो इस तरह का सुशासन आया है इस प्रदेश के अंदर और बहुत बदलाव आया है। आप देख रहे होंगे शिक्षा के अंदर आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार के अंदर देखा होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है आज, उत्तर प्रदेश केवल 4 साल के अंदर नहीं 40 साल का रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। नवीन युवा संगठन की तरफ से आपके कुछ शब्द? मैं प्रदेश अध्यक्ष नवीन युवा संगठन देवेश अग्रवाल आज अपनी पूरी टीम के साथ माननीय हमारे प्रदेश प्रवक्ता दिल्ली विनय चौधरी जी का अपने प्रदेश कार्यालय का बहुत जोरदार स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें कि हमारे विनय चौधरी ने यहाँ पर आकर हम लोगों का मार्गदर्शन किया और साथ ही 2022 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत से लाने के लिए यहाँ पर विचार विमर्श किया। और मैं अपने सभी नवीन युवा संगठन के साथियों को, प्रदेश की जितनी भी टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। और मैं विनय चौधरी जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और माननीय पार्षद प्रवीण जैन जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ मैं धन्यवाद।